हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यूपीएससी ने फाइनली अपना इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसको दिनांक 14 सितंबर 2022 को रिलीज कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट यहां पर अपना इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे थे 2023 के लिए, तो उनके लिए यहां पे फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, जो दिनांक 14 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर के बीच आप अपने इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को फिलअप कर सकते हैं। अगर यहां पर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट की, तो इस बार टोटल 327 वैकेंसीज को रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास 100 प्लस वैकेंसीज देखने को मिलेगी। डियर, अगर हम बात करते हैं पिछले 10 इयर्स की एनालिसिस का कि सर कितनी कितनी सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी अब तक रिलीज की गई है, तो आइए जानते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके 2009 में, तो जो 2000 में आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज थी टोटल, वो आपके पास कितनी थी? 205 थी। तो ऐसा नहीं था कि कंपटीशन उस समय नहीं था, कंपटीशन उस समय भी था, जितना कंपटीशन आज है उतना उस समय भी था, बट फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय स्टूडेंट कम थे, आज की डेट में स्टूडेंट ज़्यादा है। क्लियर है? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2010 में, तो 2010 में जो टोटल सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसीज थी आपके पास, वो 178 थी। क्लियर है? अगर बात करते हैं 2011 की, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? 248 थी। 2012 की बात करते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज कितनी थी? 269। 2013 की बात की जाए तो यहाँ पे 233। 2014 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर 279 वैकेंसीज थी। अगर हम 2015 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास 163 वैकेंसीज थी। और शायद ही कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि जब 2015 से पहले जिन भी स्टूडेंट ने डिग्री कंप्लीट की है, तो उस समय थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल कम था। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो यार बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्टूडेंट उस समय भी था और स्टूडेंट आज भी था। फर्क इतना है कि उस समय स्टूडेंट आपके पास कम थे, आज थोड़े से स्टूडेंट ज़्यादा है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं 2016 में, तो 2016 में भी इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में सिविल इंजीनियरिंग की जो टोटल वैकेंसी थी, वो आपके पास 258 थी। उसी तरह से 2017 की बात करते हैं, तो आपके पास 291 थी, जबकि 2018 में आपकी 165 थी। अगर बात की जाए 2019 में, तो टोटल कितनी थी आपके पास? 275 थी सिविल इंजीनियरिंग की। अगर मैं 2020 की बात करता हूं, तो उसमें थी आपके पास 147। और आपके पास 2021 में जो आपके पास वैकेंसी थी, वो सबसे कम थी आपके पास 86। और इसके लिए एक सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि इसमें आपका इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट इंक्लूड नहीं किया गया था। क्लियर है? तो इस बार जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सीट है, वो आपके पास 327 है। और जब 327 है, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग की जो सीटें होती है आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में, वो ज़्यादा ही होती है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट। तो ये तो मान के चलिएगा कि यहाँ पर आपको 100 प्लस सीट मिलने वाली है। तो अगर आप भी चाह रहे हो कि सर ये हम अपना इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन पक्का लें, तो आज से ही अपनी तैयारियों में जुट जाइएगा डियर, क्योंकि हो सकता है आपने ये सुनहरा अवसर दोबारा मत मिलेगा, क्योंकि हो सकता है सीटें कम मिले। क्योंकि इस बार अगर आपको 100 प्लस सीटें मिल रही है, तो यार मेरे माइंड ऑफ व्यू से तो 100 प्लस सीटें तो बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो जल्दी कीजिएगा और आज से ही अपनी पढ़ाई में मन लगा के पढ़िएगा डियर।